इस रिपोर्टर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि धूप से बचने के लिए आंखों पर काला चश्मा और गर्मी से बचने के लिए छाता पकड़ना इतना महंगा पड़ेगा कि उसे अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ जाए। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्रकार जियामेन सिटी में साल के सबसे शक्तिशाली मेरांती तूफान से उभरने को लेकर चल रहे राहत कार्यों पर इंटरव्यू ले रही थी। जियामेन टीवी स्टेशन ने एक बयान में कहा कि हमारी एक पत्रकार ने नियमों का पालन नहीं किया और वो साक्षात्कार लेने के दौरान अच्छा आचरण रखने में असफल रही हैं। शंघाई स्थित महिला टीवी पत्रकार यिजिंग लिन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इसे पत्रकारों से चीनी जनता की अपेक्षाओं और उनके बीच पत्रकारों की छवि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं इसे एक रूढ़िवादी फैसला नहीं कहूंगी, लेकिन ये हो गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।